एंड आयुष अभी सोच रहा है ऊपर जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि ऊपर का रास्ता थोड़ा खतरनाक है। हाँ, सांस फूल रही है एल्टीट्यूड की वजह से। Hey guys, so this is our day 4. बहुत अच्छा मौसम है आज, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, बहुत कम ठंड है। एंड मैंने सुबह चेक किया तो करीबन 7-8 डिग्री के बीच में टेम्परेचर था। क्या करेंगे भाई आज? आज सबसे पहले तो जाएंगे भाई शे पैलेस जाएंगे सबसे पहले, ठीक से मॉनेस्ट्री। हाँ, ये तीन हमें कवर करनी मॉनेस्ट्रीज के, और फिर हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। सो लेट्स गो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं शे पैलेस। नीचे हमने स्कूटी खड़ी करी है एंड अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं। एंड यहाँ से अगर आपको व्यू दिखाऊँ ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। सामने देख सकते हो आप दूर दूर तक, मतलब जहाँ तक नजरें जाती है ना भाई, वहाँ तक नेचर ही नेचर है। वहाँ पे व्हाइट वाले माउंटेन्स हैं, यहाँ पे फुल ग्रीनरी, और ये वाली जो रोड है यहाँ से हम अभी आए हैं। स्कूटी चला के आए हम करीबन कितने किलोमीटर हो भाई? 12 किलोमीटर हमने स्कूटी राइड करी है एंड मजा ही आ गया भाई। आगे 30 और जाना भाई, दो चीज और कवर करनी है, हेमिस मॉनेस्ट्री और एक और थी। ठीक से अगर पेट्रोल हुआ तो पैंग भी निकल जाएंगे। हाँ, अगर पेट्रोल हुआ तो भाई घर दुंगला भी निकल जाएंगे, वहां से मनाली निकल जाएंगे। एंड ये वाली स्टेयर्स है जिससे अभी आए ऊपर तक। तो गाइस अभी थोड़ा सा और ऊपर है, एक और फ्लोर है यहाँ पे, ताकि देखें इसके टॉप फ्लोर से क्या दिखता है। ओके ब्रो, नाइस वन, हाउ वाज इट? ठीक था भाई, ऊपर बस खंडर खंडर सा खंडर सही है भाई। मैंने क्या छोटा सा फोर्ट टाइप्स है। सो गाइस, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया अंदर से, अंदर एक बड़ी बुद्धा की मूर्ति रखी हुई थी, स्टैचू रखा हुआ था, एंड वहाँ पे एक ओल्ड मॉन्क भी था जो चैंटिंग कर रहा था। सो अभी हमें जाना है वहाँ पे थिक्से मॉनेस्ट्री, एंड वहाँ पे है, अगर आपको शायद दिख रहा होगा वो वाला, वो है हेमिस। वो दोनों हमें कवर करनी है यहाँ से। वहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी हुई है नीचे, एंड लेट्स गो। गाइस, बहुत खूबसूरत एंट्री इसकी है जैसे कि हम देख सकते हैं। थोड़ा घूम के पीछे जाके इसकी पार्किंग हमें मिलेगी, वहाँ पे हमें स्कूटी पार्क करनी है, एंड देन देखते हैं जो बाहर से इतनी सुंदर है वो मॉनेस्ट्री अंदर से कितनी ज्यादा सुंदर होगी। पूरा वहाँ से घूम के आए हम, 1.5 किलोमीटर की एंट्री है, एंड इसके आगे व्हीकल अलाउड नहीं है। ये एंट्री है भाई मॉनेस्ट्री की। तो भाई ये टॉप फ्लोर ऑफ द मॉनेस्ट्री, ये काफी ज्यादा हाइट पर है भाई, ज्यादा हाइट पर है। आप पीछे देख सकते हो काफी सारी स्टेयर्स थी ऊपर चढ़ने में, एंड अंदर कई सारे मॉन्क्स थे जो प्रेयर्स कर रहे थे, और एक मेडिटेशन हॉल भी था। तो मैंने वहाँ पे कई सारी स्टिल्स ली थी जो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो। तो यहाँ से व्यू जबरदस्त दिखता है, एंड शुभम वहाँ पे शूट कर रहा है। भाई गिर मत जाइयो। कैसा लग रहा है भाई? प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा व्यू है यार ऐसे तो। इतनी ज्यादा स्टेयर चढ़ के भाई साहब एकदम टॉप पे आ चुके हैं। इससे ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है भाई, आप देखो यहाँ ले पे, तो ले के हाईएस्ट मतलब जहाँ पे एक आप पहुंच सकते हो यही है। एंड यहाँ से आपको मतलब एकदम टॉप का व्यू दिखाई देगा। अगला जाना है भाई वहाँ पे, वहाँ दिखा दो। अगला एमएस मॉनेस्ट्री जाना भाई, देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पे जाना, राइट वाला जो है ना वो हम उसके ऊपर मॉनेस्ट्री है, एमएस मॉनेस्ट्री वहाँ पे जाना है। हे गाइस, सो स्कूटी कर लिया स्टार्ट, आपको दिखा दी थिक्से मॉनेस्ट्री, बताना कमेंट में कैसी लगी। सो हमारे साथ स्कैम हो चुका है, हमने 2-3 बोर्ड देखे एमएस मॉनेस्ट्री के, 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, और हम यहाँ पे आके रुक चुके हैं भाई। ये वाला रास्ता दिखा रहा जाने के लिए, लेकिन भाई बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा यहाँ पे जाके क्या ही मिलेगा। ये पहाड़ों के पीछे जाके हमें जाना पड़ेगा, और वहाँ पे एमएस मॉनेस्ट्री, लेकिन हमने गूगल मैप्स पे तो कुछ और ही देखा था, और फोटोज भी कहीं और ही कुछ और ही थी भाई। ये देखो हमारी स्कूटी यहाँ पे रुकी हुई है, और पेट्रोल की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वापस भी हमें 70 किलोमीटर जाना है। एमएस मॉनेस्ट्री के चक्कर में आए थे भाई हम यहाँ पे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद वापस जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कहाँ पे है डायरेक्शन हमारे एमएस मॉनेस्ट्री की। यार हम ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर आ चुके थे ले सिटी से, पेट्रोल भी खत्म होता जा रहा था, दिन भी ढलता जा रहा था, और हमें वापस भी जाना था। तो हमने डिसाइड किया लेट्स गेट बैक टू आर ले मार्केट, वहाँ पर थोड़ी देर शॉपिंग करेंगे एंड उसके बाद अपने गेस्ट हाउस में जाकर रेस्ट करेंगे। तो मैंने ये वाली पेंटिंग बनवाई है, एंड ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं भैया,
अकबर नाम है एंड ये भैया के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आप लद्दाख आएँ तो लद्दाख मार्केट में लेफ्ट साइड में एक रोड जाती है एंड यहाँ पे आई लव लद्दाख लिखा हुआ है, यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते हैं भैया, सो बेशक ले सकते हैं। सो अभी हमने ले मार्केट में शॉपिंग कर ली है, काफ़ी अच्छे प्राइसेस थे शॉप के, मतलब हमने शॉल एंड स्टॉल वगैरह लिए हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। एंड मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी शॉर्ट्स दिखा देता हूँ कि ये शॉप कहाँ पे पड़ती है। ये ले मार्केट एंड इसी लेन में ही, ये यहाँ पे थोड़ा अंदर को जाके है ले पश्मीना एंड शॉल इथोरियम, HDFC बैंक है, HDFC बैंक एकदम सामने पड़ता है। तो अभी यार हम शॉपिंग कर चुके हैं, थोड़ी बहुत हमने सामान खरीदा है एंड अभी गेस्ट हाउस में जाकर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो मैं आपसे अब कनेक्ट करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, जो कि हमारा लास्ट डे होने वाला है एंड कल का व्लॉग भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ब्रो लास्ट डे यार ट्रिप का। हाँ भाई कैसा लग रहा है? भाई पता नहीं है चार दिन कहाँ चले गए, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गए, लेकिन मजा तो आया। कसम से यार लास्ट दिन आ गया, अभी तो हम यहाँ पे आए थे, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा था, करीबन एक दो दिन लगे थे एक्लेमेटाइज होने में ढंग से, परसों से मैं ढंग से एडजस्ट होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जब से बाइक राइड हमने करी थी इतनी जल्दी जाने का टाइम आ चुका है। अभी ले मार्केट जा रहे हैं भाई, ब्रेकफास्ट करेंगे, नई जगह ट्राई करेंगे ब्रेकफास्ट में एंड फिर देखते हैं भाई, 12:40 की बोर्डिंग है, देन शू दिल्ली। कुछ चीज़ें मिस की बट आयुष भाई की तो पहली ट्रिप थी यार लद्दाख पे, सेक्सी एक्सपीरियंस। क्या मिस किया भाई आपने? पैंगोंग में स्टे भाई, मैंने तो नूबरा मिस किया भाई, कैमल राइड करनी थी मुझे, नाइट स्काई होता है पैंगोंग में, पैंगोंग का नाइट स्काई। ओके हाँ यार वो हमारा मिस हो गया भाई, बाकी तो एकदम सही गया भाई। नेक्स्ट टाइम आएंगे बाइक से भाई, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे फ्लाइट से, ऐसे भी कर सकते हैं। स्पीति वैली 500 किलोमीटर का रहता है, एकदम बढ़िया बाइक, ऐसे पूछा नहीं है किसी ने लेकिन फिर भी यार हमारी 2 सैंडविच रह गई भाई, इसको पैक करा रहे हैं। पर यार एक मजे की बात बताता हूँ, जब हमने भैया से पूछा भैया वाईफाई का पासवर्ड बता दो, भैया ने कहा नहीं मालूम, तो हमें लगा कि भैया थोड़ा कॉमेडी कर रहे हैं। हमने दोबारा पूछा कि भाई ये नास कैफे लिख रहा है, इसका पासवर्ड बता दो, मैंने फिर से कहा नहीं मालूम, हमें थोड़ा गुस्सा आया भाई, पर लेकिन दिखाइयो, फिर भैया ने लिख के दिया कि नहीं मालूम, हम अभी पासवर्ड नहीं मिला। फिर हमने कहा कि भाई हम सुन लिया था, लिख के देने की जरूरत नहीं थी, पासवर्ड क्या है ये तो बताओ। पर यार पासवर्ड आखिर में हमें पता चला जब हमने पेमेंट करी कि नहीं मालूम ही था। तो अगर आप नाश कैफे हो भाई तो पासवर्ड ही रहेगा एंड ये देखो ले मार्केट का व्यू दिखेगा आपको यहाँ से बढ़िया। प्योर पश्मीना शॉल हमने खरीद लिया है यहाँ से स्टॉल, हम दोबारा आए हैं यहाँ पे सामान खरीदने के लिए, स्नाइपर भाई को भी स्टॉल खरीदना था एंड मेरे को भी एक स्टॉल खरीदना था। ये प्योर पश्मीना खरीदा मैंने अराउंड 3000, आप यहाँ भैया से आके बात कर सकते हैं, भैया सही प्राइसेस लगा देंगे। ये भैया क्या नाम भैया आपका? संतोष नाम भैया का। एंड मैं आपको कल रात दिखाई थी कहाँ पे पड़ती है शॉप, HDFC बैंक के सामने जो गली जाती है उसमें, ठीक है। तो भाई भैया बता रहे हैं घर पे भी डिलीवरी कर देंगे, अगर आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर में आपको एक कार्ड दिखा दूंगा उसकी डिटेल्स, फोन कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको पसंद आए तो व्हाट्सएप में भैया डिजाइन दिखा देंगे, दिखा देंगे ना सारा। चौथे दिन होम डिलीवरी भैया बता रहे हैं, फिर आपको एड्रेस मांगेंगे ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और एक ऑप्शन ब्रेसलेट आप देखना चाहेंगे इसमें ये जो है, आपको कौन सा पहले पसंद है आप मुझे पूछें? मेरे को तो मतलब ये पसंद आ रहा है। सो गाइस ये वाली शॉप है द ट्राइबल आर्ट, जिसको मैंने अभी अंदर से दिखाया था, ले मार्केट में पड़ती है, बेहद खूबसूरत, मतलब इससे खूबसूरत मेरे को शॉप कोई नहीं दिखी एंटीक्स, आप यहाँ पे आए बिल्कुल ले सकते हैं। एंड अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, नो लेट्स सी, एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे 10 मिनट में और चेक इन है करीबन 12:40 का। एयरपोर्ट आ चुके हैं और अली भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत बढ़िया साथ दिया भैया ने हमारा, जा रहे हैं भाई फाइनली, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।
सो गाइस ठीक से मनीष जी आपको पीओवी दिखाते हैं टॉयलेट का। यहाँ के तो भाई टॉयलेट के पीओवी इतने खतरनाक है ना, ये देखो भाई साहब यही तो खास बात है लद्दाख की। पूरे चलो भैया बैठा के फोटो खींच पीछे कुछ था।